अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रोफेसर सगीर जूलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बुनियाद पर किंगडम एनिमेलिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया। आज जो हमारा मेजर जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। डियर स्टूडेंट, लेयर्स की बुनियाद पर किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया गया है। दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है, नंबर वन डिप्लोब्लास्टिक और नंबर टू ट्रिप्लोब्लास्टिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप हैंड फ्री ले लें और अपने मोबाइल से टच कर लें, और इसलिए कहता हूँ कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए। साथ में एक पेन ले लें और रजिस्टर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ये तमाम पॉइंट्स क्या कहते हैं कि समझ में आ सके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको समझ में आ सके, ताकि बआसानी आप उसमें लिख सकें। आइए डिस्कस करते हैं डिप्लोब्लास्टिक के। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग क्या है। डिप्लोब्लास्टिक दो ग्रीक वर्ड है, एक डिप्लो और दूसरा ब्लास्टिक। डिप्लो मीन टू एंड ब्लास्टिक मीन लेयर, यानी कि इनकी बॉडी दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी दो लेयर्स पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं प्रॉपर, कि दोज ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यानी ऐसे जानदार साम जिनकी बॉडी दो लेयर्स पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब उन डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स कौन सी हैं? आउटर लेयर क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है, जबकि इनर लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है। और इन दो लेयर्स के दरमियान एक नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, जिसे हम मिजोग्लिया कहते हैं। अगर हम जायगोट यानी एम्ब्रियो का टीएस लें, तो अंडर द माइक्रोस्कोप हमें इस किस्म का स्ट्रक्चर नजर में आता है। तो डायग्राम में देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज वन, दिस इज कॉल्ड द एक्टोडर्म। क्या कहलाती है, एक्टोडर्म। और इनसाइड यहां पर डॉटेड्स में आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं मिजोग्लिया, और यही मिजोग्लिया इन फ्यूचर सेलुलर स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगी और थर्ड लेयर की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। जबकि इनसाइड ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर नजर में आ रही है, दिस इज वन, दिस इज कॉल्ड द एंडोड्रम। ये हमारे पास क्या है, एंडोड्रम। और ओवरऑल ये क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक के। आउटर लेयर हमारे पास एक्टोडर्म, इनर लेयर क्या कहलाती है, एंडोड्रम। दोनों लेयर्स के दरमियान नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है, इसे मिजोग्लिया कहते हैं। और इन फ्यूचर इवोल्यूशन के हवाले से मिजोग्लिया सेलुलर स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है, जो कि मिजोडर्म की फॉर्मेशन करती है। और ये दरमियान में हमें गट यानी कि इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर नजर में आ रहा है। अब इन लेयर्स को जर्मिनल लेयर्स भी कहा जाता है। जर्मिनल लेयर इसलिए कहा जाता है कि इन फ्यूचर जब डेवलपमेंटल पैटर्न होता है, तो यही लेयर्स मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, जर्मिनल लेयर्स भी कहा जाता है। अब इस फाइलम के अंदर यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप के अंदर दो फाइलम क्या है, इंक्लूड किए गए। एक फाइलम है हमारे पास, अगर हम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक की करें, तो दो एग्जाम्पल्स हैं, फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पंजिस, और सेकंड जो फाइलम इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है उसका कहते हैं निडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। नाइडेरिया कह लें या सिलेंट्रेटा कह लें, बात है कि यानी जेलीफिश वगैरह इंक्लूड इन अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सेकंड जो ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया का, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आइए ट्रिप्लोब्लास्टिक की बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज ट्रिप्लो
एंड सेकंड ब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन थ्री, ब्लास्टिक मीन लेयर्स, यानी कि बॉडी कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है, थ्री लेयर्स पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि दोज ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर आर कॉल्ड ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी तीन लेयर्स पर मुश्तमिल हो इन्हें ट्रिप्लो ब्लास्टिक कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, अच्छा इन थ्री लेयर्स में अगर हम ट्रिप्लो ब्लास्टिक की बात करें तो इन तीन लेयर्स में कौन कौन सी लेयर्स शामिल हैं, एक को कहते हैं हम एक्टोडर्म, दूसरे का नाम है हमारे पास मीजोडर्म और तीसरी है हमारे पास एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स कलेक्टली कहलाती हैं जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट के जर्म से निकला है, विच मीन्स जर्मिनेट, यानी कि इनसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, तो इसलिए इनको हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। और ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन लेयर्स से कौन कौन सी चीजें बॉडी की बनती है, कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल पैटर्न तो वहां पर आपको डिटेल से क्लासिफाई कर दिया जाएगा कि किस लेयर से कौन से ऑर्गन्स क्या होते हैं बॉडी के फॉर्म होते हैं। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के जायगोट यानी एम्ब्रियो का टीएस लें तो हमें वाजह तौर पर तीन लेयर्स क्या होती हैं नजर में आती हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, ये कहलाती है एक्टोडर्म, जबकि सेकंड जो हमारे पास लेयर फॉर्म होती है ये वाली जिसे हम ब्लू कलरेशन में दिखा रहे हैं, ये हमारे पास कहलाती है मीजोडर्म, मीजोडर्म। फिर उसके बाद एक और लेयर फॉर्म होती है इनसाइड, ये कहलाती है हमारे पास एंडोडर्म और ये दरमियान में इसकी क्या है गट मौजूद है। अब एक्टोडर्म के सेल हमारे पास ये आउटर साइड पर मौजूद होते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से वाजह तौर पर दिखाएं तो हर सेल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की क्या करता है फॉर्मेशन करता है, और ये जो इनसाइड है हमारे पास ये वाले ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म से भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की क्या होती है फॉर्मेशन होती है, हर सेल अलग-अलग स्ट्रक्चर की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। और इनसाइड ये हमारे पास थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर जिसे हम क्या कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं, ये एंडोडर्म के सेल दिखाए गए और ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो देखा स्टूडेंट आपने कि ट्रिप्लोब्लास्ट में वाजह तौर पर हमें तीन लेयर्स नजर आ रही हैं, पहली है हमारे पास एक्टोडर्म, दरमियान में मीजोडर्म और अंदर एंडोडर्म इनसाइड, और ये हमारे पास क्या है गट की ऑर्गेनाइजेशन नजर में आ रही है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब किंगडम एनिमेलिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहां से स्टार्ट होते हैं, यानी कि किन फाइलम को क्या है इंक्लूड किया है, फाइलम यानी कि डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास दो फाइलम है पोरिफेरा और निडेरिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर अप टू फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि टेपवर्म से लेकर ह्यूमन बींग्स तक सारे के सारे क्या कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर एनिमल्स को डिस्कस किया कि किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि दो लेयर्स पर मुश्तमिल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बॉडी तीन लेयर्स पर मुश्तमिल है। डिप्लोब्लास्टिक में दो फाइलम इंक्लूड है फाइलम पोरिफेरा और फाइलम निडेरिया, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट होते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेटा, और ये क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद
हमारे पास निमाटोडा, एनिलिडा, मोलुस्का, एक्स वाई जेड अप टू कॉर्डेटा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दें कि हमें ये पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई, तो उसका इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको आंसर देंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।